तो आज हम लोग बहुत प्यारा सा डॉल केक बनाएंगे। बट आप सभी लोग बोलते हो कि भैया सॉन्ग लगा दो, सौम्यदी की वॉइस को हटा दो। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला चैनल है मुकेश कूल के, जिसके सब्सक्राइबर है 1.66 मिलियन, व्यू आप देख लो 24,000 25,000, ये सॉन्ग पे बनाते हैं। राहुल के एक 50,000 सब्सक्राइबर के साथ हैं, ये भी सॉन्ग पे बनाते हैं, व्यू हज़ार भी नहीं डाकते। ये हैं क्रिएशन, इनकी वीडियो आप लोग देख सकते हो 4,000 3,000 2,000, ये भी सॉन्ग पे बनाते हैं। केक कलाकार अपनी खुद की आवाज़ में बनाते हैं, इनकी भी वीडियो भी देख लो 12,000 13,000 20,000। सैफ इरफान ये सॉन्ग पे ही बनाते हैं, इनकी वीडियो की व्यू देखो 3,000 4,000। सुनील केक मास्टर ये भी अपनी वॉइस में ही बनाते हैं, बट इनकी व्यू देख लो 6,000 10,000 5,000। और इन सभी के बाद अगर कुछ है तो वो हैं सौम्या दीदी, जिनके सब्सक्राइबर हैं 4 मिलियन, बट उनकी व्यूज आती है 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन। अब आप लोग बताओ कि क्या करना चाहिए। चलो मैं आप लोग के कहने पे सॉन्ग्स को लगाना शुरू कर दूंगा। बट आपको पता है कि जब मैं सॉन्ग्स को अगर मैं लगाना शुरू करूंगा ना, तो लोगों को लगता है कि ये बस एक फॉर्मेलिटी है। और चलो मैं ठीक है, मैं कल से ट्राई करता हूँ सॉन्ग पे लगाना, देखते हैं सॉन्ग लगा के क्या होता है। तो आज हम लोग 1 kg चॉकलेट केक, डॉल केक बनाएंगे। और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कैसी डिज़ाइन बनाऊँ डॉल केक के लिए, तो ये वाली डिज़ाइन मुझे आइडिया में आई, तो ये वाली डिज़ाइन मैंने बना दिया हूँ। और इसमें मैंने मल्टी कलर्स को यूज़ किया और सभी कलर्स को थोड़ा थोड़ा फेंट कर पैकिंग बैग में भरते भरते बना दिया। तो जब भी आपको ये बनाना है तो आप लोग को नीचे से आपको प्लेन करते चलना है स्क्रैपर से। ये मत सोचो कि एक बार डाल देंगे फिर एक साथ में प्लेन करेंगे, क्रीम फट जाएगी, नीचे वाली क्रीम फट जाएगी तब तक। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही उसको प्लेन करते चलना है। फिर मुझे ये थोड़ा सा मिक्स लग रहा था और उसके जो कलर थे वो बहुत ही एक दूसरे से मतलब मैच कर रहे थे, तो नीचे की साइड मैंने थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया ब्लैक से, क्योंकि मुझे मतलब उस वक्त मुझे जो लग रहा था कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो ऐसे 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 मैं चलता गया, एक एक स्टेप करता गया, और लास्ट में जो मुझे समझ में आया मैंने बना दिया। बट केक मतलब जो भी मेरे केक्स होते हैं वीडियो के मुकाबले, जब मैं वीडियो में देखता हूँ और सामने से देखता हूँ, तो सामने से एक अच्छा फ्रंट ऑफ लुक आता है, वो मुझे बहुत पसंद होता है। बट मैं जब वीडियो बनाता हूँ उसको देखता हूँ तो कहता हूँ कि इतना अच्छा केक लग रहा था, बट ये वीडियो में पता नहीं कैसे ऐसा आ गया। तो आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 फ्लावर्स को यूज़ किया, 2 बटरफ्लाइज भी लगा दी, और सिल्वर डस्ट कर दिए केक के ऊपर, क्रीम वाले केक के ऊपर सिल्वर डस्ट ज़रूरी है। तो सिल्वर डस्ट करने के बाद केक का जो फाइनल लुक ये आ गया अपना, और ये केक हो गया हमारा रेडी। 1 kg केक था, 700 रुपीज़ प्राइस था इसका। और इसके बाद मैंने बनाया था 1.5 kg में केक, जो कि 1 एंड नोज़ल से मैंने सारे फ्लावर्स जो आप लोग देखते हो जो कि ट्रेंडी केक है, तो 1 एंड नोज़ल से लाइट पिंक था और थोड़ा पीच में भी था, तो उस कलर को यूज़ करके मैंने ये केक को बनाया था। उसके बाद मल्टीपल कुछ हर्ट्स थे मल्टी कलर के, तो मतलब लाइट कलर देखो एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई लाइट कलर का केक बना रहे हो तो उस पर कुछ डार्क कलर यूज़ करो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, या तो कोई डार्क कलर केक बना रहे हो तो उस पर कुछ लाइट चीज़ें यूज़ करो तो एक अच्छा कंपैरिजन आता है। तो अच्छे तरीके से मैंने ऊपर की भी साइड फील कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने डाल दिए कुछ बॉल्स। सिल्वर डस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है इन सब के पीछे को, आप ग्लेज का अगर यूज़ कर रहे हो तो सिल्वर डस्ट ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप व्हिप क्रीम का यूज़ कर रहे हो तो सिल्वर डस्ट बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने 2 बटरफ्लाई लगा दी। अब हर रोज़ मेरे दिमाग में नई नई डिज़ाइनें मैं कहाँ से लाऊं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो एक एक करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अभी 1, 2, 3 वीडियोस मेरे पास पेंडिंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे केक्स हैं, तो आप लोग उम्मीद करते हैं उन लोग को भी दिखाऊंगा, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद, कल एक ब्लॉग बनाने के बाद। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तब टेक केयर।